कोतवाली थाना क्षेत्र के चौधरी कॉलोनी और पुलिस कंट्रोल रूम के सामने घर के बाहर खड़ी फोर व्हीलर गाड़ियों के फोड़े कांच। मंसूर कोतवाली थाना क्षेत्र के नई आबादी चौधरी कॉलोनी पुलिस कंट्रोल रूम के सामने घर के बाहर खड़ी महंगी फोर व्हीलर गाड़ियों के फोड़े बाइक चालकों ने फोड़े कांच पत्थर से। कोतवाली पुलिस के जवान भी पहुंचे मौके पर। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बुधवार 12 बजे बताया कि एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि अभिनंदन क्षेत्र में भी घटना हुई थी, उसमें भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि महंगी गाड़ी को ही निशाना बनाया जा रहा है और उनकी ही गाड़ियों के कांच को फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस नेता तरुण शर्मा द्वारा कहा गया कि इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच करना चाहिए, ऐसा तो नहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जिन लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है उनके द्वारा कहा गया कि पहले भी इस तरह घटना हुई है और उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए जो इस तरह से शहर में खड़ी गाड़ियों के कांच को फोड़ रहे हैं। ये पहले भी इस प्रकार की घटना शहर में कई बार हो चुकी है, पर आरोपी पकड़े भी गए हैं पहले, पर कोई सख्त रूल नहीं होने के कारण उनकी जल्दी जमानत हो जाती है और वो छूट जाते हैं। मेरा इस बार भी अभी आरोपी मुझे उम्मीद है कि जल्दी पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि ये घटना भी सीसीटीवी में कैद है और आज कंट्रोल रूम के सामने जो घटना हुई है वो भी सीसीटीवी में कैद है। किस तरह घटना हुई है, क्या हुई घटना? ये चलती गाड़ियों पे से बाइक से और रोक के कांच फोड़े गए है। और मेरा इसमें एक दूसरा निवेदन है पुलिस से आपके माध्यम से कि वो लोग उन आरोपियों के पीछे कहीं कोई लॉक तो नहीं, कोई साजिश ध्यान भटकाने ऐसी कोई बात तो नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की घटना या तो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है जो व्यक्ति कर रहा है या उसके पीछे कोई ना कोई लोग है। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि पहले भी ये इस प्रकार की घटना कई बार हो चुकी है। दो तो कंट्रोल रूम के सामने और एक ये तीन, कल तीन से चार गाड़ियों के अभिनंदन के भी पॉइंट थे कि कांच फोड़े गए हैं। बाकी पुलिस के पास जो इनपुट आएगा पूरे दिन भर का वो देखने को मिलेगा कितनी गाड़ियाँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, दो तलेरा जी की है और एक गाड़ी और है जो नई आबादी क्षेत्र में है, उसकी भी जानकारी मिली है। सभी जगह से जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ संबंधित क्षेत्रों में और दूर दूर तक लगे हुए कैमरों की तलाश कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र जानकारी मिलेगी, आदमी को दस्तयाब करके कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कैमरे में आया सर कोई? हाँ, एक बाइक सवार हैं, एक बाइक पर दो लोग हैं जो दिख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सर। इससे पहले भी बोलेरो के कांच फोड़े थे 2017 में, और रात को 11:30 बजे मैं आया दुकान से, उसके बाद गाड़ी खड़ी करी, सुबह फिर इसमें क्रूज का कांच फूटा हुआ है। अब हम यही चाहते हैं कि पुलिस वाले इन लोगों को पकड़े जल्दी से जल्दी, इस तरह हम कब तक नुकसान झेलेंगे सर? क्या आपको नुकसान का लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको, पहले भी इस तरह से घटना हुई? नहीं सर, पहले भी जो बंदे पकड़ाए थे हम पुलिस वालों से यही कह रहे हैं, आप कैमरे में जो भी दिखता है इनको आप इनको पकड़ के जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है आप करें।